Good evening to one and all. This is Sapana Kataria. सबसे पहले आज जो हमने बात नितिन भैया पे खत्म करी थी तो हम शुरू भी वहीं से करेंगे कि सबसे पहले मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगी कि अगर आप नहीं होते तो मुझे ये पता ही नहीं होता कि हमारे बड़ौदा में एक इतनी अच्छी पहल जो ओएसिस मिसाल की तरफ से चल रही है उसके बारे में मैं कभी जान ही नहीं पाती। सचमुच ये एक मिसाल है कि ये उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ ये प्रिपेयर करते हैं कि आज का युवा ये करता है, आज का युवा ये करता है। ये उन लोगों में से है जो युवा को सही दिशा दिखाना चाहता है कि नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू ओएसिस मिसाल कि आप ये पहल कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा फ्रेंड्स, आप सभी पेरेंट्स को और उनके बच्चों को कि आप इस पहल के महत्व को समझ रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बीकर जस्ट तो मैं उनको बहुत सारी चीजें पहले बता चुकी हूँ। यहाँ इस मंच के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी फूल की तरह मत बनना। जिस दिन खिलोगे मुरझा कर बिखर जाओगे। जिंदगी में कभी भी फूल की तरह मत बनना। जिस दिन खिलोगे मुरझा कर बिखर जाओगे। बनना है तो पत्ते